18 कत्ल वाले नरसंहारी मैसेज का वायरल सच, बड़ी पड़ताल। वायरल सच, देश को झूठ से बचाने वाला सबसे विश्वसनीय शो आप सभी देख रहे हैं, जिसमें आज मानवता की रक्षा के लिए हमने बड़ी पड़ताल की है, क्योंकि आज आपको एक ऐसी खबर हम दिखाने जा रहे हैं जो बताएगी कि झूठ कितना खतरनाक हो सकता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, एक वायरल मैसेज ने क्या 18 लोगों की निर्ममता से जान ले ली। ठीक सुना आपने, एक वायरल मैसेज ने क्या 18 लोगों की निर्ममता से जान ले ली। एक वायरल हुआ मैसेज क्या 2 राज्यों के दर्जन भर जिलों में हजारों लोगों की नींद उड़ा सकता है। एक वायरल मैसेज ने क्या इंसान को इंसान के प्रति जानवर बना दिया। आज ऐसे ही वायरल हुए एक मैसेज का सच एबीपी न्यूज ने देश की जनता के लिए खंगाला है, जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि एक झूठ कैसे इंसान के दिल दिमाग में हावी होकर उसे हैवान बना देता है। पड़ताल देखिए। एक वायरल मैसेज ने क्या 18 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। एक वायरल मैसेज ने क्या दुधमुहे बच्चे के सिर से पिता का साया छीन लिया। एक अफवाह ने क्या इंसान को इंसान का कातिल बना दिया। एक वायरल मैसेज के कारण क्या बीजेपी शासित राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। इतना हमला किया हम लोग का, जो क्या बताएंगे, हम लोग बोलने नहीं सकते। एक वायरल मैसेज के कारण क्या एक प्रदेश की कानून व्यवस्था हिल गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त उन मैसेज को देख रहे हैं जो झारखंड और बिहार के हजारों मोबाइल के व्हाट्सएप इनबॉक्स में हलचल मचाए हुए हैं। लेकिन क्या ये संदेश सच्चे हैं? क्या एक वायरल मैसेज भीड़ को कातिल बना दे रहा है? ये जानने से पहले देखिए मैसेज में लिखा क्या है। पहला वायरल मैसेज, झारखंड में मानवता शर्मसार, बच्चा चोरी की अफवाह ने 18 को मौत की नींद सुलाया। दूसरा वायरल मैसेज, बच्चा चोरी का आरोप लगाकर 4 मुसलमानों की पीट पीट कर हत्या। तीसरा वायरल मैसेज, झारखंड के जमशेदपुर के राजनगर थाना में बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाकर हिंदू भीड़ द्वारा 4 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। जब देश में एक वायरल मैसेज के जरिए मानवता को खतरे में दिखाया जाने लगा, तब इंसानियत की रक्षा के लिए, देश को झूठ के सबसे बड़े जाल से बचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता बड़ी पड़ताल करने निकले। इस वक्त मौजूद है उसी जगह पर जहां पर इन लोगों को, जिन 4 लोगों की नृशंस हत्या की गई है, लेकिन जो भीड़ थी वो करीबन 10 से 15 हजार लोग थे। झारखंड के सरायकेला जिले के शोभापुर गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आप लोगों को क्या पता चला इसी वजह से कर दी गई, बच्चा चोर का आरोप लगा था क्या? बच्चा चोर का आरोप लगा के तो किया, लेकिन बहुत बेरहमी थी। बच्चा चोर वाला अफवाह फैल रही है, मैसेज ऐसा कुछ सुनने में आता था क्या? नहीं, अफवाह उड़ा है। 18 कत्ल वाले नरसंहारी मैसेज की वायरल सच इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, उससे पहले देखिए कैसे एक मैसेज वायरल हुआ और उसके कारण 18 हत्याएं होने का दावा किया जा रहा है। इस वायरल मैसेज में लिखा है, गांव में बच्चों का चोर गिरोह घूमता है, ये गिरोह बच्चों को चोरी कर उनकी किडनी निकालता है, सावधान रहें। ये मैसेज सबसे पहले मार्च में बिहार के नवादा जमुई से वायरल होना शुरू हुआ। इसके बाद बच्चा चोरी गैंग से सतर्क रहने को कहने वाला ये संदेश झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग तक पहुंचा।
अप्रैल तक ये वायरल मैसेज झारखंड के चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर में हवा की तरह उड़ने लगा। लेकिन क्या ऐसे मैसेज के कारण 18 हत्याएं हो चुकी हैं? इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता आज उस जगह से सच आपको दिखाएंगे जहां बच्चा चोर गैंग वाले मैसेज के कारण 18 कत्ल होने का दावा है। आज उन घरों तक एबीपी न्यूज पहुंचेगा जिनके घरों में बच्चा चोरी के वायरल मैसेज के कारण मातम पसरा है। आज एबीपी न्यूज सीधे झारखंड में कानून व्यवस्था संभालने वाले सबसे बड़े अफसरों, डीआईजी और गृह विभाग के प्रधान सचिव से सीधे सच पूछेगा और दिखाएगा आपको बच्चा चोरी के वायरल मैसेज के कारण हो रही हत्याओं पर सरकार की गोपनीय रिपोर्ट भी। वायरल सच की आज की इन्वेस्टिगेशन का मकसद सिर्फ आपको एक खबर दिखाना नहीं बल्कि देश को झूठ के सबसे बड़े जहर से बचाना है, क्योंकि इस बार ये झूठ इंसान की जान ले रहा है। अब हमारे सामने जो सवाल खड़े थे, जिन दावों का सच और झूठ हमें पता करना था, उनमें दो प्रमुख बातें थी। पहला सवाल ये कि क्या झारखंड में बच्चा चोरी गैंग वाली अफवाह की वजह से 18 लोगों की हत्या हो चुकी है, और दूसरी क्या बच्चा चोरी गैंग के वायरल मैसेज के कारण मुसलमानों को जानबूझकर साजिश के तहत कत्ल किया गया। इसका पूरा सच आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, जिन्होंने पहली पड़ताल शुरू की झारखंड के सरायकेला से। वायरल सच की इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त झारखंड के सरायकेला जिले में गांव शोभापुर की तरफ बढ़ रही है। झारखंड के सरायकेला जिले में शोभापुर गांव की तरफ जाने की वजह है ये वायरल मैसेज, जिसमें फेसबुक पर लिखा गया, बच्चा चोरी का आरोप लगाकर चार मुसलमानों की हत्या। इस मैसेज में आगे लिखा है, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में लोगों ने बच्चा चोर होने की अफवाह के बाद इंडिका कार पर सवार चार लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसी मैसेज का सच जानने के लिए क्या झारखंड के सरायकेला में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद चार लोगों का कत्ल हुआ है? एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता पहली पड़ताल करने पहुंच चुके हैं। झारखंड के सरायकेला जिले के शोभापुर गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ पर चार लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आज हम उसी गांव में पहुँचे हैं, गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये गांव है शोभापुर गांव। 18 तारीख को यहाँ पर घटना घटी। हालांकि अभी भी गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ गाँव वाले हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे इंसानियत को इस तरीके से शर्मसार किया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर मोहम्मद है। शेर मोहम्मद जी, ये बताइए, आपके गांव में चार लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्या हुआ उस दिन रात में, कैसे जो चार इंसानों को एकदम मार दिया गया? सर, उस दिन की घटना जो है आपका 17 तारीख को रात में, उस दिन बच्चा चोर का नाम से जो है ना इधर चारों ओर जो है ना खाली चर्चा था, रात भर आदमी जागा था, समझे कि नहीं। उसके बाद जो हम लोग खुद जो है गाँव में 2 बजे रात तक हम लोग जाग रहे थे। अच्छा, अचानक उस दिन हम लोग क्या हुआ, आदमी इधर नानू से जो है 407 में कम से कम 30-40 आदमी लड़का बैठ कर के गया। उन लोगों ने कहा कि आगे गांव में जो है तीन यानी कि बच्चा चोर को पकड़ा हुआ है। शेर मोहम्मद हमें बता रहे थे कि 17 मई की देर रात जब तारीख 18 मई की लग चुकी थी, तब कैसे गाँव में बच्चा चोरी वाली अफवाह का हल्ला मचा था। लेकिन क्या इतनी भीड़ थी कि उसने चार लोगों को बच्चा चोरी गैंग वाला समझकर पीट कर मार डाला? इस बारे में वहां मौजूद गांव के प्रधान अत्ता टुडे ने आगे की बात बताई। इधर से लेकर के पूरा पूरा बस्ती पूरा रोड तरफ पूरा जाम लगा हुआ है। तो वो तो आपके गांव के लोग होंगे, आप प्रधान हैं, तो आपकी बात नहीं सुन रहे थे कि वो लोग मारे जाएं? किसी का बात मरने को तैयार नहीं थे। अच्छा, किसी का बात मरने को उन लोग तैयार नहीं थे। तो वो थे कौन, गाँव के लोग थे? गाँव के नहीं, बाहर से आए हुए थे लोग। आपके गांव के कितने लोग थे? 15,000 में जो है आपके गांव के भी लोग होंगे? गांव के लोग नहीं, गांव के लोग कोई मारपीट में शामिल नहीं है। ये गांव के लोग तो गांव में ही रहेंगे, सुबह का टाइम था, कहां जाएंगे, अपना अपना काम धंधा से बाहर आके वो लोग। तो वो कौन लोग थे जो यहां पर जिन्होंने आकर के आपके गाँव में चार लोग? आस पास के इतने सारे लोग है कि आपको होश उड़ जाएंगे देखने से। अच्छा, कौन थे वो लोग, कैसे मार डाला, क्या सिर्फ बच्चा चोर समझ कर चार लोगों को मार डाला? जिन चारों को मार डाला वो कौन थे,
क्या एक वायरल मैसेज ने इस गांव में चार लोगों का कत्ल करा दिया? कई सवाल खड़े हो रहे थे। हम तफ्तीश आगे बढ़ाते तभी संवाददाता अंकित गुप्ता को पास से महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई दी। अंकित उधर की तरफ आगे बढ़े। आखिर क्या हुआ देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है एक महिला है, इन लोगों के सामने वो सब हुआ है। तो महिलाएं रो भी रही हैं, इन्होंने वो घटना देखी है, आंखों में आंसू भी हैं। क्या हुआ था आपके गांव में, ये क्या हुआ है? आपके सामने हुआ था? हम लोग का सामने हुआ था। क्या हुआ था? हम लोग का नजर का सामने हत्या, इतना हमला किया हम लोग का, जो क्या बताएंगे, हम लोग बोलने नहीं सके। हम लोग का नजर का सामने हम लोग को मारा, हम लोग की इज्जत लेंगे बोल रहा, हम लोग रैप करेंगे बोल रहा, क्या बोले, मट्टी तेल छिटनेंगे, घर में आग लगाएंगे। आप लोगों से बोल रहे थे? सब सब चारों तरफ का आदमी घेर कर रख करना, हम लोग यार क्या बोलेंगे। आप लोगों को भी घेर लिया था पूरा चारों तरफ? क्या आप लोग बचाने गए थे? हम इन महिलाओं से 18 मई की भोर में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण चार लोगों के कत्ल की पड़ताल पर बातचीत कर ही रहे थे। यहाँ मौजूद बुजुर्ग महिला बोल पड़ी। जवान लड़का बोले हम कुछ नहीं किए, हम यहाँ के व्यापारी, हमको बस कुछ कीजिए। आखिर कोई माफी मांगा, पैर गिरने लगा, मार दिया पीछे से कुल्हाड़ी। आप लोगों की आंखों के सामने सब होता जा रहा था। आप लोग यहाँ पर सामने नीम गाछ मार दिया, जहाँ मिलिट्री लोग बैठा वही। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन चार चार हत्याओं के चश्मदीद एक के बाद एक खुलकर हमें बता रहे थे कि सिर्फ बच्चा चोरी की अफवाह ने यह हत्याएं कराई हैं। बच्चा चोर की अफवाह थी या फिर कुछ और ही? बच्चा ही चोर का अफवाह। ऐसा सुनिए, रात को एक बार हल्ला हुआ कि बच्चा पकड़ने वाला आ गया है, बच्चा पकड़ने वाला आ गया, तो सभी तो दहशत में रह गए, बच्चा पकड़ने वाला है बोल के। एक बैग हल्ला हुआ कि उस आदिवासी जात है, उधर बच्चा पकड़ने वाला आ गया, तो सभी दौड़ लगा, उन लोग भी दौड़े, हम लोग भी दौड़े। दौड़ने के बाद आधा घंटे के बाद में उधर से एक गाड़ी चले आए कि जागते रहो जागते रहो, सबको एकदम दहशत में दे दिए, सभी जागे हुए हैं। और ठीक 5 बजे भोर को ये मामला एकदम खड़ा कर दिए। लेकिन उन लोगों के, आप लोगों के सामने हत्या हुई है? जी हाँ, बेरहमी से हत्या की, बेरहमी से एकदम। हम लोग का लड़का सब ऐसे साइड में खड़े हुए हैं और लोग मारे जा रहे हैं, कुल्हाड़ी बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं। अब तक की पड़ताल में कुछ बातें साफ थी, कुछ बातें रहस्य में उलझी थी। ये बात साफ थी कि सरायकेला में चार हत्याओं के पीछे बच्चा चोरी की अफवाह वजह है। इसी अफवाह के कारण शोभापुर गाँव में इंडिका कार सवार शेख हलीम, सज्जाद, नईम और सिराज की हत्या की गयी। लेकिन सवाल ये उठ रहा था, क्या बच्चा चोरी की अफवाह की आड़ में मुस्लिम युवकों को जानबूझकर मारा गया? शोभापुर गांव के प्रधान अंता टुडे से जब हमने पूछा क्या हत्या के पीछे वजह धर्म है, उन्होंने साफ इनकार किया। नहीं, समुदाय विशेष में कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग दिन रात एक ही बस्ती है, हम लोग दिन रात बैठते हैं उठते हैं, कोई ऐसा माहौल, मतलब दो समुदायों के बीच का ये नहीं था, एक अफवाह थी। लेकिन एक अफवाह क्या लोगों को इतना अंधा कर सकती है कि वो चार लोगों को पीट कर मार डाले? इसका सच भी आज हमारी तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन पहले आपको उस जगह ले चलते हैं जहां एक वायरल मैसेज के कारण इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस गाँव में थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़े तो संवाददाता अंकित गुप्ता को वो इंडिका कार भी जली हुई हालत में नजर आई, जिसमें सवार चार नौजवानों को बच्चा चोर समझकर मार डाला गया। इस वक्त मौजूद है उसी जगह पर जहां पर इन लोगों को, जिन चार लोगों की नृशंस हत्या की गई है, उनको पकड़ा गया था। फिलहाल एक जली हुई गाड़ी हमको यहां नज़र आ रही है। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की है तो पता चला कि जिन चार लोगों की नृशंस हत्या की गई है वो इस इंडिका गाड़ी में, हालांकि फिलहाल तो गाड़ी को देखकर नहीं लग रहा है कि कौन सी गाड़ी है, लेकिन इंडिका गाड़ी ये बताई जा रही है। इसमें जब वो उनको दौड़ाया गया, जब उन लोगों ने उनको बच्चा चोर जो है घोषित किया, तो वो लोग इसी गाड़ी में मौजूद थे, अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। लेकिन आनंद फानंद में जब उनके पीछे भीड़ दौड़ी है तो वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर इस गाँव के अंदर घुसे हैं और कोशिश कर रहे थे कि इस कहीं अंदर ही अंदर गाँव से और निकल जाए, लेकिन यहां पर पहुंचते ही गाड़ी, क्योंकि एक तरफ जो है ये
मिट्टी पड़ी हुई है, दूसरी तरफ बजरी पड़ी हुई है, ईंटें लगे हुए हैं, लिहाजा सामने एक पेड़ था, पेड़ पर आकर के गाड़ी टकराई है और आगे निकलने का रास्ता नहीं था। जैसे ही गाड़ी यहाँ टकराई, भीड़ उनके जो पीछे पीछे दौड़ रही थी उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी। जैसे ही गाड़ी में आग लगाई, उन चारों लोगों ने जो इस गाड़ी में सवार थे, जिनके नृशंस हत्या की गई है, उन्होंने यहाँ पर से भाग करके आगे जो दूसरे घर हैं कोशिश की कि अपनी जान बचाएं, लेकिन उनको वहाँ से भी पकड़ लिया गया। गांव वालों से और जानकारी लेने के बाद अब जो तफ्तीश के बाद तस्वीर साफ हो रही थी वो कुछ इस तरह है। 17 मई की देर रात बच्चा चोर गैंग की अफवाह वाले मैसेज के कारण गांव वाले चौकन्ने होकर जग रहे थे। गांव वालों ने सड़क पर 17 मई को बांस बल्ली लगाकर बैरिकेड बना रखे थे। शेख हलीम, सज्जाद, नईम और सिराज जब शोभापुर गांव की तरफ से गुजर रहे थे, इनकी गाड़ी ने गलती से बल्ली को तोड़ दिया। गांव वालों ने इसके बाद कार का पीछा किया तो चारों युवक गाड़ी लेकर इसी गांव में अपने एक जानने वाले के घर में दाखिल हो गए। बच्चा चोर की अफवाह के कारण दहशत में जी रहे गांव वालों ने उस घर को घेर लिया तो चारों युवक भागने लगे, पकड़ कर जिन्हें बाद में भीड़ ने पीट कर मार डाला। सिर्फ एक वायरल मैसेज के कारण गाँव वालों के भीतर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मौके पर पहुंची पुलिस की जीप तक को आग लगा दी थी। जिन चार लोगों पर बच्चा चोरी का आरोप लग रहा था, जिनको बच्चा चोर करार दिया जा रहा था, वो जब गांव से निकले तो वो सड़क की तरफ भागे कि यहां से छुप करके कहीं और आगे निकल जाएं, लेकिन उनको यहां पर रोक लिया गया। यहां पर उसके बाद में पुलिस की जिप्सी आई है, पुलिस की जीप जब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, पुलिस भी यहां पर पहुंची, लेकिन पुलिस की जो है जो गाड़ी थी उसके पहले शीशे तोड़े गए और उसके बाद में कुछ ये हालत हुई है पुलिस की गाड़ी की। यानी कि एक तरफ जो जिनको आरोपी बताया जा रहा था, जिनकी बाद में निशंस हत्या की गई, उनकी गाड़ी जलाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ जो पुलिस की गाड़ी थी उसको भी कुछ इस तरीके से आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस जिस संख्या में थी, महज पुलिस के कुछ ही कर्मचारी यहां पर आए थे, कुछ ही जवान यहां पर आए थे, लेकिन जो भीड़ थी वो करीबन 10 से 15 हज़ार लोग थे। यानी कि ऐसे में जो पुलिस की जो संख्या थी वो 4 से 5 जवानों की बताई जा रही है और यहां पर थे 10 से 15 हज़ार लोग, लिहाजा पुलिस भी उनके सामने बेबस थी। हो सकता है अब आपके मन में सवाल उठने लगा हो कि आखिर जिन लोगों को बच्चा चोर समझकर मार डाला गया वो थे कौन। इसकी भी तफ्तीश आज वायरल सच की टीम ने की है। संवाददाता अंकित गुप्ता अब शोभापुर गांव में घटना स्थल से निकलकर आगे बढ़े। ये घर सज्जाद का है, उसी नौजवान सज्जाद का घर जिसे शोभापुर गांव में बच्चा चोर की अफवाह वाले मैसेज के कारण मार डाला गया था। घर के अंदर हमें सज्जाद की पत्नी और बच्चा मिला। सज्जाद दुबई में प्लम्बर का काम करते थे, एक साल पहले लौटे थे, घर बनवा कर दोबारा जाने वाले थे। सज्जाद की पत्नी से हमने पूछा, आपको क्या लगता है हत्या के पीछे वजह क्या एक वायरल मैसेज है? फाह के चलते चार लोगों की निश्चित हत्या कर दी गई। जी। मैं कहा जा रहा है कि पिछले काफी समय से ऐसी अफवाह फैल रही थी, लेकिन आपका तो पूरा परिवार उस एक अफवाह ने उजाड़ दिया। जी। क्या कहेंगे कि एक अफवाह के चलते मारा गया या साजिश था, अब कैसे जाने, पता नहीं है। सज्जाद के घर से निकलकर हम आगे बढ़े। अब हम सिराज के घर पहुंचे। सिराज ड्राइवर का काम भी करता था। उस रात सिराज ही इंडिका गाड़ी चला रहा था। सिराज की पत्नी तारा से हमने बात की। बच्चा चोर वाला अफवाह फैल रही है, मैसेज, ऐसा कुछ सुनने में आता था क्या? नहीं, अफवाह उड़ा है। आपको सुनने में आया था कि बच्चा चोर इस तरीके के अफवाह? क्या मैसेज ऐसे जाते थे व्हाट्सएप वगैरह पे? कैसे सुनने में आया था? ऐसे हल्ला गुल्ला होता था। अच्छा, तो उस दिन रात में सिराज क्या करने गए थे? रात उसका ड्राइवर ने बोल तो नहीं पूछा। आप बता दो। वो ड्राइविंग करते थे ना, कभी कदर कोई बुलाते थे शादी घर या फिर कोई फैमिली घर, तो ऐसे ड्राइविंग में जाते थे। तो वो इनके दोस्त कईयों नईम वगैरह के दोस्त थे या ऐसे ड्राइवरी में गए थे? ऐसे ड्राइविंग में गए थे। ड्राइवरी में गए थे। हाँ। इसके बाद हम हलीम के घर पहुंचे। हलीम को भी शोभापुर गांव में बच्चा चोर समझकर मार डाला गया। क्या यही सच है? क्या एक वायरल मैसेज ही कातिल बन गया? ये सवाल हमने हलीम के भाई मोहम्मद जहीरुद्दीन से अब पूछा। आप लोगों को क्या पता चला इसी वजह से कर दी गई बच्चा चोर का आरोप लगा करके? बच्चा चोर का आरोप लगा के तो किया, लेकिन बहुत बेरहमी थी। ये जो किया वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर इंसान होता तो उसको जिस तरीके से मारा गया वो इंसान नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज की पहली पड़ताल में ये बातें खुलकर सामने आ चुकी थी। झारखंड के सरायकेला में बच्चा चोरी की अफवाह वाले वायरल मैसेज के कारण
चार लोगों की हत्या हुई। बच्चा चोरी की अफवाह वाले वायरल मैसेज ने गांव वालों को इतना दहशत में डाल रखा था कि वो आम आदमी और बच्चा चोर में फर्क नहीं कर पाए। सरायकेला में चार लोगों की हत्या के पीछे धर्म का कोई भी एंगल नहीं है, लेकिन अब भी ये जानना बाकी था क्या वायरल मैसेज के कारण 18 लोगों का कत्ल हो चुका है। तो झारखंड के सरायकेला में तो एक अफवाह वाले वायरल मैसेज की वजह से चार हत्याओं का दावा सच निकला, लेकिन दावा तो वैसे 18 कत्लों का है। क्या 18 कत्ल हुए? पूरा सच आज हम खंगाल कर आपको जरूर दिखाएंगे। 18 कत्ल वाले नरसंहारी मैसेज का वायरल सच, बड़ी पड़ताल। लेकिन यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ था कि क्या एक वायरल मैसेज के कारण 18 लोगों की हत्या हुई है। अब तक चार हत्याओं की पड़ताल हमारे सामने आ चुकी है। असली घटना के बारे में भी हमें पता चला, जानकारी मिली कि जमशेदपुर में भी 3 लोगों को उसी बच्चा चोरी की अफवाह वाले मैसेज की वजह से मार दिया गया। इसलिए अब दूसरी तफ्तीश जमशेदपुर में करना जरूरी हो गया था। वायरल सच की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक दहशत में डाल देने वाला वीडियो हमारे सामने आया। इस वक्त जो वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके कई हिस्से तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी गईं। पहला वीडियो, ये हिलती डुलती तस्वीरें जमशेदपुर की बताई जा रही हैं। वीडियो में कुछ साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन सफेद रंग की एक गाड़ी दिखाई देती है और उसके आगे पीछे भागते कुछ लोगों की भीड़। भगदड़ मची है, लोग बेतहाशा चिल्ला रहे हैं। आसपास खाकी वर्दी में बंदूक के टांगे पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा वीडियो, इस वीडियो में पीले रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती हैं। उनके आसपास भी खड़ी भीड़ ऐसे ही चिल्ला रही है। तभी कैमरा घूमता है और फिर वो तस्वीर इस वीडियो में आती है जो आगे हम आपको नहीं दिखा सकते। इस वीडियो में अब खून से लथपथ एक शख्स को जान से मारा जा रहा है। क्या ये वही वीडियो है जिसमें दावा है कि जमशेदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद 3 लोगों को मार डाला गया? दावा है कि ये वीडियो जमशेदपुर में नागाडी नाम की जगह का है। दावा है कि 18 मई को यहाँ पर 3 लोगों को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इन सारे दावे और वीडियो की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जमशेदपुर में सीधे नागाडीह पहुंचे। यहाँ एक जगह पर हमें टूटे हुए बांस और डंडे नजर आए, ईंट पत्थर बिखरे दिखे। यहाँ पर किसी पुरुष का जूता पड़ा नजर आया। जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई अनहोनी जरूर गुजरी है, लेकिन क्या उसका संबंध बच्चा चोरी की अफवाह वाले मैसेज के कारण हुई 3 और हत्याओं से है? इसका जवाब मिलने में देर नहीं हुई, क्योंकि हमें एक चश्मदीद मिल गई। यहाँ देख रहे कि पूरा भीड़ होगी आदमी साहब, धीरे धीरे और आदमी साहब आते जा रहा है और आदमी साहब आते जा रहा है। क्या हो रहा है? तो बोलते नहीं मारपीट हो रहा है, तो जन में धक 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 से करने लगा हम लोग उनको कि बस्ती में मारपीट हो रहा है। क्यों मार रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे? क्या चिल्ला रहे थे कि बच्चा चोर है। वाकई में यहाँ पर बच्चा चोरी की घटनाएं हुई थी? नहीं, यहाँ से बच्चा चोरी नहीं हुआ है। चश्मदीद ने जो कुछ बताया वो इस बात की गवाही था कि सरायकेला की तरह जमशेदपुर में भी सिर्फ इस अफवाह वाले मैसेज के कारण लोगों ने 3 लोगों को मार डाला कि वो बच्चा चोर हो सकते हैं। हमने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि 18 मई को विकास वर्मा, गौतम वर्मा और गंगेश कुमार अपनी दादी के साथ नागाडीह गांव के पास से गुजर रहे थे, जिन्हें सिर्फ बच्चा चोर गैंग की अफवाह वाले वायरल मैसेज के कारण लोगों ने बच्चा चोर ही समझ लिया था। और उनके साथ क्या किया ये घटना स्थल से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता बताते हैं। इस वक्त मौजूद है झारखंड के जमशेदपुर के नागाडीह इलाके में, जो यहाँ पर उग्र भीड़ थी। गांव में करीबन जो है कई हज़ार लोग थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उनको मारपीट करना शुरू किया, जो 3 भाई थे उनके साथ मारपीट शुरू की। 2 भाइयों को तो यहाँ पर जो बांध लिया गया था, ये खंभा बिजली का लगा हुआ है, यहाँ पर बांध दिया गया था। उसके साथ ही में जो उनकी दादी यहाँ पर आई थी, जो कि सीनियर सिटीजन है, उनको यहाँ बैठा करके उनके साथ भी बेरहमी से मारपिटाई की गई। हालांकि यहाँ पर डंडे पड़े हुए हैं, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनसे मारा पीटा जा रहा था। इसके बाद जब तफ्तीश का और सिरा और सुराग पकड़ने के लिए संवाददाता यहाँ के गाँव में दाखिल हुए तो हर घर में ताला लगा हुआ मिला। यहाँ पर जितने भी घर हैं वो
ताले उनमें लगे हुए हैं, यानी कि अब आसपास कोई रहने वाला तक नहीं है, क्योंकि फिलहाल देख सकते हैं यहाँ जितने भी घर हैं, घर यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। घरों में जो मवेशी हैं वो जरूर हैं, लेकिन घरों में लगा हुआ है ताला। अभी सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि आखिर जिन्हें बच्चा चोर समझकर भीड़ ने मार डाला, वो लोग आखिर जा कहां रहे थे। जवाब जानने के लिए हम सीधे उस परिवार के पास पहुंचे जिनके साथ ऐसी घटना हुई थी। घर पर पहुंचे तो हमें यहां उत्तम मिले। उत्तम के ही दो भाइयों की भीड़ ने हत्या कर दी है। उत्तम ने हमें बताया कि उनके भाई नीमाडीह गाँव क्यों गए थे। नया बिजनेस स्टार्ट किए थे विकास सेफ्टी टैंक के सामने। इसके लिए हम लोग मतलब क्या ना प्रचार के लिए हम लोग मतलब कहते हैं बैनर बनाए थे, मतलब राउंड बनाए थे, मतलब उसको मतलब प्रचार के लिए। तो इस विषय में हम लोग वहाँ भी गए थे। एबीपी न्यूज की दूसरी पड़ताल का नतीजा ये रहा। सरायकेला की तरह जमशेदपुर में भी बच्चा चोरी से जुड़े अफवाह वाले मैसेज के कारण तीन लोगों की हत्या हुई है। तीन बाहरी लोगों को अचानक गांव में देखकर बच्चा चोर की अफवाह उड़ाई गई और भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि अफवाह उड़ाने वाले कौन हैं? क्या अफवाह वाला मैसेज वायरल करने के पीछे कोई खास मकसद है? इन सवालों का जवाब भी आपको आज ही मिलेगा जब एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता कानून व्यवस्था संभालने वाले सबसे बड़े अफसरों के पास पहुंचेंगे। तो एक अफवाह वाले मैसेज की वजह से ना सिर्फ 18 लोगों के कत्ल होने का दावा किया जा रहा है, बल्कि इसी वजह से झारखंड में लोगों ने कानून व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा उतारते हुए जमकर तोड़फोड़ और पथराव भी किया है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या अफवाह वाले मैसेज को वायरल करने के पीछे कोई सोची समझी साजिश है? अगर हां तो किसकी, क्यों? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए तफ्तीश का नया मोर्चा हमने सीधे प्रशासन के सामने खोल दिया। अब तक वायरल सच इन्वेस्टिगेशन में आप देख चुके हैं सरायकेला में बच्चा चोरी की अफवाह वाले मैसेज के कारण चार लोगों का कत्ल किया गया जो मुस्लिम समुदाय से आते थे। जमशेदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह वाले वायरल मैसेज के कारण भीड़ ने तीन लोगों का कत्ल किया जो हिंदू समुदाय से आते थे। लेकिन आखिर क्यों बच्चा चोर गैंग का मैसेज वायरल हुआ है? ये सच जानने के लिए एबीपी न्यूज सीधे डीजीपी और गृह सचिव के सामने पहुंचा। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव के सामने सीधे सवाल रखा। क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज स्प्रेड हुआ है और उसके बाद में ये घटना घटी है? अफवाह फैलाने के पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये अफवाह के आधार पे ही ग्रामीणों को उत्तेजित होकर इस तरीके के घटना को अंजाम दिया गया? तो जैसे अभी राज्य सरकार ने जो इंक्वायरी गठित की है उसमें ये सब पहलुओं पे जांच होगी और फिर उसके आधार पे हम लोग जैसे पता चल पाएगा क्या वजह है। गृह विभाग के प्रधान सचिव का ये जवाब इस बात की सीधी पुष्टि करता है कि हत्याओं के पीछे तो सिर्फ बच्चा चोर गैंग से जुड़ा अफवाह वाला वायरल मैसेज है। लेकिन क्या 18 कत्ल इस वायरल मैसेज के कारण हो गए? इस सवाल का जवाब भी एबीपी न्यूज ने तलाशा तो हमारे हाथ सीधे इस पूरे मामले से जुड़ी सरकार की गोपनीय रिपोर्ट लगी जिसमें साफ साफ लिखा है, सोशल मीडिया में पिछले 17 दिनों में 18 घटना होने की जानकारी दी गई है जिसका सत्यापन होना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण हत्या होने की बातें सच साबित हुई है। बच्चा चोरी की अफवाह वाले वायरल मैसेज के कारण सिर्फ मुस्लिमों की हत्या से जुड़ा मैसेज झूठा साबित हुआ है और बच्चा चोरी की अफवाह वाले वायरल मैसेज के कारण 18 हत्याओं का दावा भी पड़ताल में झूठा निकला है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।